अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठीक होंगे। और थोड़ी सी खुशखबरी है, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा खुशखबरी है। जिस चीज़ के बारे में काफ़ी जो है प्रोटेस्ट चल रही थी और काफ़ी सारा जो है आप कह लें कि कैंडिडेट्स नाराज़ थे कि क्या 45% वाली पॉलिसी इसने नाक में दम कर दिया है। इतने अच्छे हमने जो है वो स्कोर्स उठाए और सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से या 0.5 मार्क्स से रह रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि काफ़ी सीरियसली जो है वो डिस्कशन हुई है। अभी इनका जो इजलास हुआ था और मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। सबसे पहले तो आप ये पढ़ लीजिए, यहाँ पे 100% जो है वो सही सोर्सेज से जो है इकट्ठी की है मैंने चीज़ें। पहला पॉइंट आपका यही है कि हर सब्जेक्ट में 45% वालों शर्त ख़त्म। छोटियन लाए पासिंग मार्क्स 40 मुकर्र, मर्दन लाए पासिंग मार्क्स 55 मुकर्र। यानी कि हर सब्जेक्ट में ये जो 45% वाली पॉलिसी को तो ख़त्म कर दिया गया है, इसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो गया है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए काफ़ी जो है रिलैक्सेशन दी गई है कि 40% ओवरऑल जो है उसके ऊपर पास कर देंगे, लेकिन मर्दों के लिए 55% जो है वो स्टिल द पासिंग मार्कअप, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और भी दिखा देता हूँ, मतलब ये आप लोगों ने भी देखी होंगी चीज़ें, पर इट्स ऑल डन। ये आप देख सकते हैं कि अच्छा, इसको थोड़ा सा पीछे से दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे यहाँ से जी, जो मर्द हजरात हैं उनके लिए तो ओवरऑल 55% जो है ना पासिंग क्राइटेरिया वो तो वो ही रहेगा, ठीक है। यानी कि 55% लेने हैं तमाम मर्द हजरात, लेकिन ये जो 45% वाली जो पॉलिसी है, ये हर मजमून में 45% नंबर लाजमी शर्त ख़त्म कर दी जाए, ये जो है इस पर काम हो चुका है। और जैसे मैं बता रहा था कि ये फीमेल्स को जो है वो काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है, उनकी जो पासिंग मार्क्स है वो 40 कर दी गई है, और ये दोनों के लिए PST GST दोनों, ठीक है। तो इससे ये कि एकदम से क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा जो उन्होंने लो किया, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा रेंज के अंदर आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाली स्लाइड अगर आ जाए मेरे पास आने लगी है, ये वाली नहीं जी, ये वाली, ठीक है ना। अभी जो ये जितनी भी जो ये तजवीज़ें दी गई हैं, तजावीज़ जो है इनकी मंजूरी जो है अभी कैबिनेट में हो जाएगी। ये 20 अक्टूबर को इनका इजलास होगा और 80-90% उम्मीद है कि ये हो जाएगा पास, ठीक है। और इसके बाद बस फिर भर्तियों का अमल शुरू हो जाएगा। आपकी UC में सीट होना लाजमी, मतलब आपकी UC में सीट हो तो आपको वहाँ प्लेस कर देंगे। अगर आपकी UC में सीट नहीं है तो आसपास वाली UC है जो कि आपके ताल्लुक़े में लगती है, वहाँ पर अगर सीट होगी तो फिर आपको वहाँ कहीं प्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन पहले कंपटीशन देखा जाएगा ना उस UC के अंदर कितने लोगों ने पास किया, उसमें जो हाईएस्ट है उनको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। तो बहरहाल फिर भी काफ़ी चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, जिनके लिए थोड़ा सा मसले मसाइल हो गए थे 1 या 0.5 मार्क्स से, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स करें, आप थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह मामला अच्छी तरफ जाएंगे। और गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है जो है ना, मतलब ये हो गया 40% स्कोर हो गया, तो अल्लाह से दुआ करें और उम्मीद देखें। मैं आपसे पहले भी कहता हूँ, उम्मीद मत हारा करें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं लाइव भी आने वाला हूँ, कुछ थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मंगा रहा हूँ, लाइव आऊँगा और भी वीडियोज आएंगी। थोड़ा सा मसरूफ हूँ, मेरी कुछ असाइनमेंट्स चल रही हैं, बट आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। एंजॉय द नाइट, अल्लाह हाफिज़।